सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्विक्स बहुत सारी लेडीज़ को ये ट्रबल करती है इट लीड्स टू रिकरेंट अबॉर्शन सो टूडे माई सेल्फ डॉक्टर इकावली गुप्ता आई एल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ क्यों होती है इसके मल्टीपल कॉजेज होते हैं कुछ जेनेटिक कॉज़ होते हैं द वस विच आर बॉन्ड विद एंड कुछ जेनेटल कंडीशनस होती हैं जैसे एहलर डैन लॉस सिंड्रोम या फिर कुछ हमारे लाइफ में इस तरह से हुआ होता है जो सर्विक्स को वीक कर देता है वॉट इज़ सर्विक्स नॉर्मल सर्विक्स क्या होता है सर्विक्स यूट्रस के माउथ को बोलते हैं जो कि प्रेगनेंसी को टिका रहने में हेल्प करता है सर्विक्स के ओपन होने पर ही डिलीवरी होती है इस सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ अराउंड 3.5 पॉइंट सेंटीमीटर्स होती है अगर यह टाइम से पहले छोटा हो जाए दैट इज़ इसकी लेंथ 2.5 पॉइंट से कम हो जाए या फिर ये सर्विक्स का माउथ ओपन होना शुरू हो जाए जिसे हम मेडिकल टर्म्स में फनलिंग बोलते हैं इन कंडीशंस में लेडीज़ को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस रहते हैं जिससे कि मेटर्नल और फीटल मतलब बच्चे को भी नुकसान हो सकता है और मदर को भी नुकसान होता है ना नॉर्मल सर्विक्स जो है उसकी एक लेंथ जैसे मैंने बताया 3.5 पॉइंट सेंटीमीटर्स होती है और इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो क्लोज्ड होता है जब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस डेवलप होनी शुरू होती है तो सर्वाइकल लेंथ कम होना शुरू हो जाता है एंड ऊपर जिस तरह से फनल की तरह दिख रहा है ये फनलिंग शुरू हो जाती है किस तरह से हम इसे रिकग्नाइज़ करते हैं इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट एक बार ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है तभी हम इसे रिकग्नाइज़ कर पाते हैं इन लेडीज़ को यूजली हिस्ट्री होती है कि पिछली प्रेगनेंसी में बिना पेंस के ही बेबी की डिलीवरी हो गई थी सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में दैट इज़ टाइम पूरा होने से पहले ही बिना पेंस लगे बिना पानी छूटे डिलीवरी हो जाती है एक दो घंटे में ही बच्चा बाहर आ जाता है हॉस्पिटल तक पहुंचने की भी टाइम नहीं मिलती है या फिर पिछली जैसे मैंने बताया पिछली प्रेगनेंसी में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की आपकी हिस्ट्री है या पिछली डिलीवरी के दौरान सर्विक्स पे ट्रामा हुआ हो कुछ जेनेटिक कंडीशन या क्रोमोजोमल एहलर एहलोडालो सिंड्रोम या आपके यूट्रस का कुछ शेप इस तरह से हो यूट्रस दो भागों में डिवाइडेड हो यूनिकॉर्नविट यूट्रस हो बाई कॉर्नविट हो हार्ट शेप्ड यूट्रस हो या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड हो तब भी ये चांसेस रहते हैं कि यूट्रस का माउथ जल्दी खुलना शुरू हो जाता है अब इसको ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिवेंशन ऑब्वियसली हमें अगर पता है कि आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपको कुछ ऐसी हिस्ट्री रही हो तो आप भी ज़्यादा कॉशियस हो जाते हो डॉक्टर भी ज़्यादा कॉशियस हो जाता है हम आपकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैवी वर्क बिल्कुल लिमिट कर देते हैं वी पुट यू ऑन बेड रेस्ट देन प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस होते हैं उस हार्मोन के इंजेक्शन जो प्रेगनेंसी को टिका के रखता है प्रेगनेंसी को मेनटेन करके रखता है वो हम वीकली देना शुरू कर देते हैं देन दर इज़ अ प्रोसीजर नॉन अ सर्वाइकल सर्कुल्ज जिसे आम भाषा में कहा जाता है बच्चेदानी के मुँह पे हम टाँका लगा देते हैं ये आइडली दो तरीके का प्रोसीजर होता है एक जो हम प्लान करके करते हैं एक जो हम इमरजेंसी में करते हैं प्लान करके जो प्रोसीजर करते हैं हमें पता है कि पेशेंट जो है हमारा हाई रिस्क है अल्ट्रासाउंड पे हमें बता दिया गया है कि सर्विक्स की लेंथ कम है या फिर पिछली प्रेगनेंसी में इस तरह की कुछ हिस्ट्री रही है कि हमें शक है कि इस प्रेगनेंसी में भी डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस हैं तो हम अराउंड ट्वेल्व वीक्स के पास जब हम एम टी स्कैन करा लेते हैं और हमें पता है कि बच्चे में कोई भी कंजेनेटल मेलफॉर्मेशन नहीं है बच्चा बिल्कुल ठीक है उसके बाद हम प्लान तरीके से यूट्रस के माउथ को स्टिच कर देते हैं जिसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ये सर्विक्स ओपन है और ये जो वाइट बैंड है हम सर्विक्स के ऊपर स्टिच कर देते हैं अब कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं कि पेशेंट को नहीं पता होता और पेशेंट हमारे पास लैंड ही ऐसी करता है जिसमें हमें इमरजेंसी में टांका लगाना पड़ता है कई बार बच्चे का मुंह चार सेंटीमीटर से ज़्यादा खुल चुका होता है या जो मेमब्रेन्स होती हैं जो थैली है पानी वाली वो वहाँ से प्रोट्रूड करना शुरू कर देती है या पेशेंट एक्टिव लेबर में होता है या फिर बच्चेदानी में या मेमब्रेन्स में इन्फेक्शन ऑलरेडी सेटल हो चुका होता है इन कंडीशन में हम सर्वाइकल सर्कलाज या टाँका नहीं लगाते बिकॉज इट माइट प्रेसिपिटेट प्रीटर्म लेबर और बहुत हाई चांसेस होते हैं फेलियर के 24 वीक्स के बाद हम स्टिच नहीं लगाते बिकॉज अगेन इट माइट प्रिसिपटेट प्री टर्म लेबर और बच्चे की मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है सो so, 24 फोर वीक्स से पहले अगर हमारे पास लेडी आती है सर्वाइकल लेंथ जिनकी कम हो जाती है दे आर एंड थ्रेटन प्रीटर्म उन केसेस में हम इमरजेंसी या रेस्क्यू सर्कुलॉज का सर्जरी भी कर देते हैं येस दिस प्रोसीजर इज डेफिनेटली एसोसिएटेड विद सम कॉम्प्लिकेशन्स देर आर चांसेस कि जब हम स्टिच लगा रहे हों तो सर्विक्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या मेम्ब्रेंस कई बार रक्चर हो जाती है अबॉर्शन हो सकती है प्री टर्म लेबर में पेशेंट जा सकता है बट देन इन कॉम्प्लीकेशंस के चांसिस बहुत कम हैं कम्पेयर टू कि अगर हम ये स्टिच ना लगाएं और बार बार अबॉर्शन होती रहे सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दिस सर्वाइकल सर्कुलर सर्जरी बहुत तरह की सर्वाइकल सर्कुलर सर्जरी होती है हम वजाइना के थ्रू नीचे से टांका लगा सकते हैं कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती है कि सर्विक्स बुरी तरह से डैमेज होता है आ, सर्विक्स का कोई पोर्शन हमें वजाइना से नहीं दिख पाता है या फिर रिकरेंट अबॉर्शंस नहीं हो उसमें हम पेट से भी टांका लगा देते हैं अब टांका कब खोलना है 37 वीक्स तक अगर हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो या फिर जब भी आप प्री टर्म लेबर में जाते हैं हम स्टिच को आउट कर देते हैं और उसके बाद पेंस लगा देते हैं ताकि डिलीवरी हो जाए जैसे मैंने बताया कि जो टाँका हम तमी से लगाते हैं उसको तो हम इन प्लेस ही छोड़ देते हैं वो नहीं निकालते हैं ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी आप प्लान कर सकें और बार बार सर्जरीज हमें नहीं करनी पड़े नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या केयर करेंगे आप सर्जरी के बाद बेड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूरिन इन्फेक्शन में ऑल्सो प्रेसिपिटेट प्रीटर्म लेबर तो पानी खूब सारा पीना है हाइजीन प्राइवेट पार्ट्स का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है यूरिन रोक के नहीं रखना है बार बार आपने यूरिन पास करना है देन बेड रेस्ट लाइक आई सेड कोई हैवी काम नहीं करना है हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं स्क्वाटिंग नहीं करनी है पेल्विक एरिया में कोई भी जो एक्टिविटी होती है वो हमने पेल्विक एक्सरसाइज ऑल आर टू बी अवॉइडेड कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए इंटरकोर्स सेक्स हमने अवॉइड करना है उस दौरान एंड प्रोजेस्ट्रॉन uh, के इंजेक्शंस वीकली या फिर जो भी प्रोजेस्ट्रॉन का सप्लीमेंट आपको डॉक्टर देते हैं वो रेगुलरली आपने लेना है मेरे एक्सपीरियंस में जिन केसेज में हम सर्वाइकल सर्कुलाज लगाते हैं मोस्टली नाइनटी नाइन परसेंट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो की जाएँ एंड प्रोसीजर टाइमली हो जाए दैट इज इलेक्टिवली ट्वेल्व वीक्स हो जाए और हमें एमरजेंसी में ना करना पड़े सो दैट वॉज ऑल अबाउट सर्वाइकल सर्किलाज इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव अ कामेंट एंड विल रिप्लाई टू यू एज सोन एस पॉसिबल वीर आल्सो अवेलेबल फॉर टेली एंड वीडियो कॉन्सल्टे हैवे अप्पी प्रेगनेंसी टेक केयर